हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की रेसिपी एक डिज़र्ट रेसिपी है, और जैसे कि आप जानते हो विंटर्स आ गए हैं और रेड हमारे पास कैरेट अवेलेबल है मार्केट में, तो अभी हम हमेशा उससे गाजर का हलवा ही सुने हैं और बनाते हैं, बट मैं ये बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी लेके आई हूँ। ये डिज़र्ट रेसिपी है गाजर की खीर, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ पे मैंने 5-6 रेड वाले गाजर लिए हैं, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है एंड इसको पील कर लिया है। अब हम इसको एक ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे, जैसे हम गाजर के हलवे के लिए ग्रेट करते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रेट करने के बाद इसको अच्छे से फैला लो कि अच्छे से इसका मॉइस्चर हो वो निकल जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे 1 लीटर मिल्क लिया है, इसको बॉईल करने के लिए रखा है, और जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा एक बार, तब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे ग्रेटेड गाजर को। अब यहाँ देखो, अब बॉइलिंग इसकी हो गई है, तो अब इस स्टेज में हम इसमें गाजर ग्रेट किए हुए डाल देंगे, और ये बहुत ही क्विक रेसिपी है। जितना टाइम हमें गाजर के हलवे को बनाने में लगता है, मोस्ट ऑफ टाइम हम यही सोचते हैं कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं बनाना। बट ये जो रेसिपी है, ये गाजर की खीर काफ़ी क्विक रेसिपी है, एंड आई थिंक ये हम जैसे नॉर्मल खीर बनाते हैं डेली बेसिस पे, वैसे ही ये भी है, इसीलिए ये काफ़ी ईजली बन जाती है। एंड टेस्ट, आप ऑलमोस्ट इसका टेस्ट गाजर के हलवे जैसा लगता है। एंड बिलीव मी, आप इसको बनाने के बाद, टेस्ट करने के बाद, आप गाजर के हलवे को काफ़ी कम बनाएंगे और इसको ज़्यादा फ्रिक्वेंट बेसिस पे बनाएंगे, तो इसको ज़रूर ट्राई करेगा। यहाँ पे मैं या फ्रिक्वेंटली इसको स्टर कर रही हूँ, एंड इसको हमें लो मीडियम फ्लेम पे ही चलाते रहना है। यहाँ पे मैं शुगर ऐड कर रही हूँ 1/2 कटोरी इतना, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको जितना शुगर चाहिए होगा वो आपके ऊपर है। इसको बस हमें कंटिन्यूसली इसको ऐसे मिलाते रहना है थोड़े थोड़े देर पे। अभी मैं यहाँ पे जब 90% ये कुक हो जाता है ना, तो मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून बड़े टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। मिल्क पाउडर, जैसे हम गाजर के हलवे में खोआ ऐड करते हैं, यहाँ पे मैं मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छी इसकी थिकनेस हो जाएगी एंड बहुत अच्छा क्रीमी फ्लेवर आएगा। और ये जब कुक हो जाता है ना, तो आप इसको टेस्ट करना, ये एकदम गाजर के हलवे का रिप्लेसमेंट है एंड इजी रिप्लेसमेंट है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे सारे अच्छे से मिक्स कर लिए, इसको लम्स भी इसके हट गए हैं जो मिल्क पाउडर हमने ऐड किए थे। अब इसको ये थिक हो चुका है, तो ये यहाँ पे कुक हो गया। अभी मैंने यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दिया है एंड इसको ठंडा करने के लिए रख दिया है। यहाँ मैं सर्व कर रही हूँ उसको, एंड आप इसको ठंडा ही खाना फ्रिज में। इसको जब ये हो जाएगा ना रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख देना एंड 1 आवर के बाद ही इसको खाना, तो ये और भी टेस्टी लगता है। एंड आप अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश करके एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी रेसिपी एंड हैप्पी विंटर। थैंक यू।